वहीं लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर शाम 6 बजे वोटिंग खत्म हो चुकी है। इसी कड़ी में लोकसभा सांसद निर्वाचन क्षेत्र गुना में जिले की 3 विधानसभा, शिवपुरी में 294, पिछोर में 247, कोलारस में 288 मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण रूप से मतदान संपन्न हुआ। तो वहीं दूसरी ओर लोकसभा सांसदीय क्षेत्र ग्वालियर जिले के 2 विधानसभा करैरा में 310, वहीं पोहरी में 299 मतदान केंद्रों पर भी बिना किसी बाधा के शांतिपूर्वक रूप से मतदान संपन्न हो गया। मैं अपने सभी परिजनों से, भाई बहनों से, केवल ग्रामीण ही लेकिन समूचे मध्य प्रदेश में और समूचे देश में निवेदन करूंगा कि पूर्ण रूप से संविधान में दिया हुआ यह अधिकार इसका पूर्ण उपयोग करें, हमारे देश की प्रगति और विकास को सुनिश्चित करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक मार्ग प्रशस्त किया है पिछले 10 वर्षों में देश का, उस मार्ग को आगे बढ़ाने का कार्य करें। लेकिन 9 बजे तक हमारा 16% से ज़्यादा मतदान हो चुका था और जैसे कुछ जगह 17% से भी ज़्यादा मतदान का प्रतिशत है, ऑलमोस्ट हर जगह 16% है। तो कई जगह कतार भी दिख रहे हैं, कई जगह वो कोशिश हम लोग कर रहे हैं, देखते हैं पूरा दिन भर। अब ये कह पाना मुश्किल है, हम तो पिछली बार से बेहतर का अनुमान कर रहे हैं। जो पिछले जो लोकसभा में जितनी वोटिंग हुई थी लगभग 69%, तो उससे ज़्यादा मतदान होना चाहिए। महंगाई बेरोजगारी को लेकर वोट डाला है और मुझे ऐसा लग भी रहा है कि इस बार महंगाई बेरोजगारी का असर सभी जगह है और जनता वोट देना चाह रही है महंगाई बेरोजगारी को लेकर।